गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए हमारा छठा चैप्टर चल रहा है मानव अधिवास, और जिसमें अपन नगरीय अधिवासों की समस्याओं के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो अपन ने करीब कल तक 6 समस्याओं के बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी, और आज हमारी ये 2 समस्याओं के बारे में और हम बात करेंगे, तो ये हमारा जो टॉपिक है वो आज कम्प्लीट हो जाएगा, और इससे की आगे की जो चर्चा है वो हम कल करेंगे नए टॉपिक के साथ। तो आज केवल हम इन 2 समस्याओं के बारे में बात करेंगे। तो इसमें है तीव्र सामाजिक आर्थिक विषमता एवं सामाजिक असहयोग। देखिए नगरीय बस्तियों के अंतर्गत बहुत ज्यादा सामाजिक एवं आर्थिक विषमता देखने को मिलती है, क्योंकि नगरों के अंदर संसाधन उपलब्धता एवं आर्थिक विकास में बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलता है। और ये चीज आपने कई बार महसूस की हुई होगी कि जहाँ एक तरफ गगनचुंबी इमारतें होती हैं, बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, वातानुकूलित इमारतें होती हैं, वहीं उसके जस्ट सामने वहीं दूसरी तरफ जो है फुटपाथ पर लोग खुले आसमान के नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जीवन का संघर्ष आप स्पष्ट रूप से देख सकते हो। तो ये इस प्रकार से सामाजिक आर्थिक विषमता जो है स्पष्ट रूप से नगरों के अंतर्गत देखी जा सकती है। इसके अलावा व्यक्ति जो है व्यक्तिगत स्वार्थ से प्रेरित होता है, जिसकी वजह से उनमें सामाजिक सहयोग की जो भावना है वो बिल्कुल नहीं होती है, सामाजिक असहयोग पाया जाता है। किसी की अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो वो उसकी निजी है और दुनियादारी को उससे कोई लेना देना नहीं होता है। तो सामाजिक असहयोग जो है विशेष रूप से नगरीय बस्तियों में देखने को मिलता है, अपनत्व की किसी प्रकार की कोई भावना उनमें नहीं होती है। तो ये 6 पॉइंट के लिए, 7 पॉइंट क्लियर हो गया, तीव्र सामाजिक आर्थिक विषमता एवं सामाजिक असहयोग। ठीक, और अगली जो समस्या है आपकी 8वें नंबर की, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं की कमी। देखिए स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं की, ये आप सब जानते हो कि नगरीय क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों से लोग बड़ी संख्या में पलायन करके नगरों में जाते हैं, जिससे नगरीय जनसंख्या बड़े स्तर पर क्या होती है, बढ़ जाती है, और नगरीय संख्या वृद्धि हो जाने की वजह से वह औद्योगिक विकास विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों की वजह से नगरीय जनसंख्या यानी जो नागरिक होते हैं जो अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। अब ग्रसित हो जाते हैं तो सीधी सी बात है वो चिकित्सा सुविधा लेंगे तो जनसंख्या की तुलना में, ऐसी बात नहीं कि नगरों में चिकित्सा सुविधा नहीं होती है, होती है, लेकिन वो जनसंख्या की तुलना में चिकित्सा सुविधाएं या जो चिकित्सालय हॉस्पिटल्स वगैरह जो होते हैं वो काफी कम होते हैं, यानी बीमार व्यक्तियों की संख्या ज्यादा, चिकित्सालय कम होते हैं, तो जिसकी वजह से उनको प्रॉपर स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पाता। इसके अलावा व्यक्ति गरीब होते हैं, आमदनी इतनी ज्यादा होती नहीं है। अब प्राइवेट हॉस्पिटल या निजी चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त करें तो उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, पैसा हो ना हो पाने की वजह से वो निजी चिकित्सा सुविधाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं और वो एफर्ड नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए समय से कई बार इलाज ना मिल पाने की वजह से उनकी मृत्यु तक हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं की भी क्या है, आम आदमी की पहुंच से ये बाहर होती है। तो ये 8वां पॉइंट क्लियर हो गया, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं की कमी। तो ये दोनों पॉइंट जो है आज के होमवर्क में यानी उससे आगे, यानी 6 तक तो आपने कर दिया, तो 7वां और 8वां पॉइंट डाल के और दो दो तीन तीन लाइनों में इसका एक्सप्लेन करके, और ये आपके होमवर्क में आप कैलेंडर डेट डाल करके, और कल का जो हमारा जो नया जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा नगरीय बस्तियों की समस्याएं के समाधान। ठीक है, अब ये समस्याएं तो हमने पढ़ ली है, तो अब उनके लिए अपन क्या क्या समाधान कर सकते हैं कच्ची बस्तियों के लिए और क्या क्या हमें उपाय करने चाहिए, तो उसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज आपके लिए इतना ही है। ठीक है, तो थैंक यू, कल फिर बात करेंगे।